तुमसे ध्यान करने के लिए जो कहता तुम उसका मजाक उड़ाते हो। और एड यहाँ पे गुटखा का इतना जबरदस्त जबरदस्त है, चार पांच दिन बाद मन एकदम पक जाएगा कि भैया रहने दो, चैलेंज करते हैं, आधा घंटा करना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, कोई नशा नहीं करोगे। 95% लोग आज इसलिए डिप्रेशन का शिकार है, ओवरथिंकिंग। उसकी वजह यह है कि वो वीक है ना अंदर से। तुमसे ध्यान करने के लिए जो कहता तुम उसका मजाक उड़ाते हो, तुम भारत के संतों का मजाक उड़ाते हो। एक दो संत अगर पकड़ ही लिए गए किसी काम में, 250 का नकली नोट देखे हो, असली होता ही नहीं। जिसका असली होगा उसका नकली भी होगा। और ये पश्चिम के लोग चाहते नहीं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि तुम ध्यान करोगे मन से मजबूत हो जाओगे, तुमको स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस होगा नहीं, तुम गुटखा खाओगे नहीं। गुटखा खाना मतलब क्या? जुगाली। यहां मैं देख रहा हूं लोगों को, मतलब वो बनमस्का वाला सुबह 7 बजे आकर गुटखा मुंह में डाल लेता है। मैंने कहा यार तुम बेचते तो अमृत हो और खुद खाते जहर हो। अरे भैया हम कहीं जितना कमा रहे हो ना ये सब अस्पताल में चला जाएगा। ये गुरुदेव पे है ना दो बनमस्का वाले, एक है उसमें वो 7 बजे। और एड यहां पे गुटखा का इतना जबरदस्त जबरदस्त है। कंपनी गार्डन के चौराहे पे रजनीगंधा का एड देखो ना, भयंकर। और फिलोसॉफिकल एड, दर्शन। गुटखा मत खाओ, मिट्टी खा लो उठा के, फायदा करेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है। पर गुटखा मत खाओ। प्राणायाम करो यार, स्ट्रेस हो रहा है। मैं समझ रहा हूं तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो, ये तो बात मैं समझ ही रहा हूं। चाय ज्यादा मत पियो, और अगर पीते हो तो नींबू की चाय पिया करो। तुमको तो स्ट्रेस होना ही होना है, इतनी बड़ी प्रिपरेशन है, स्ट्रेस नहीं होगा? हर दिन 6-6 घंटे का मटेरियल यहां डाइजेस्ट करना है, हर दिन कम से कम न्यूज़पेपर तो हर दिन पढ़ना है ना। तो 4-5 दिन बाद मन एकदम पक जाएगा कि भैया रहने दो, तो उसको बचने का कोई तरीका तो चाहिए, वो उसका भी तो सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन प्राणायाम है, मस्त्र का चैलेंज करते हैं, आधा घंटा करना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, कोई नशा नहीं करोगे।